ये राक्षसी लक्षण है। सावधान, स्वामी की आज्ञा के बिना तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। आप जब तक चरण पखारने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं आपका चरण ही नहीं पकड़ूंगा और न धोऊंगा। आदेश चाहिए आपका। सीधी सी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए वो कह रहा है कि मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। ये तो सामान्य भाव हो गया है कि आप भावुक होकर के आए और आपने चरण पकड़ा और धोना शुरू कर दिया, ये सामान्य भाव है। लेकिन सत्य तो यही है कि पहले आज्ञा लेनी चाहिए। एक बात बताएं, मंदिर में पुजारी पूजा करने के लिए जाता है तो मैंने पूजा की है साहब, बहुत वर्षों तक भगवान की, बड़े मंदिरों की पूजा की है मैंने। नियम बताया गया था, क्या बताया था? मैं नरसिंह भगवान की पूजा करता था। सबसे पहले मैं नरसिंह पीठाधीश्वर बन के आया था ना प्रारंभ में, आज से 25 साल पहले 28 साल पहले, तो मैं नरसिंह भगवान का पहले पुजारी बना था। इसके बाद मुझे पीठाधीश्वर बनाया था। पहले मैंने पूजा की, बताया क्या था कि सबसे पहले स्नान करके आओ तो साष्टांग भगवान को प्रणाम करो और ये प्रार्थना करो, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रवेश करूं। ये शिक्षा दी जाती है, समझ रहे हो कि नहीं? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या प्रवेश करूं, ये भाव था। इसका मतलब है आज्ञा ले ली, भगवान ने कह दिया आ जाओ भाई, ये तो नियम ही है। फिर इसके बाद जब भगवान पट खोले, उसने अंदर प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया तो फिर कहता है, हे प्रभु मुझे आदेश दें कि मैं आपको स्नान कराऊं, आप आदेश दें मुझे। आदेश मिलता है, मिल गया आदेश कि हाँ भाई, लेकिन लिया है ना पहले लिया है, ये भाव होता है प्यारे। केवट कहता है कि आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका पुजारी हूं, बिना आदेश के बिना आज्ञा के मैं कुछ भी काम करने वाला नहीं हूं। आपको आपसे आज्ञा ले रहा हूं और आप यदि आज्ञा दे सकते हो तो ये कार्य करूं और यदि नहीं दे सकते हो तो मैं हठवादिता नहीं करूंगा। आपसे आज्ञा ले रहा हूं, क्या? कि जो प्रभु पार अवसगा चहू तो मुई पद पदू मैं पखारन कहू। क्या मैं आपके चरण धो सकता हूं, चरणोदक ले सकता हूं? आप स्वयं कहिए, मानी आदेश दीजिए। भगवान ने कहा कि केवट बेग आन जल पाए पखारू। जल्दी करो, आज्ञा मिल गई कि नहीं मिल गई? बेग मानी जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, आज्ञा मिल गई। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारू पारू। केवट दौड़ के गया साहब और नाव में बैठ गया। पहले नाव नीचे थी, ऊपर बैठा था वो एक मिट्टी की करार पर। तुरंत दौड़ के गया, नाव में बैठा, पतवार हाथ में लियो, खेता हुआ भगवान के पास पहुंच गया नाव लेके। और जैसे ही नाव लेके पहुंचा तो भगवान कह रहे थे बेग आन जल, इसका मतलब है कि गंगा जल तुम्हारे समीप में ही है तो गंगा जल ले आओ और धो लो, चरण धो लो, चरणोदक ले लो, गंगा जल पास में ही। बेग आन जल इसका मतलब है गंगा जल। बेग आन जल का मतलब पानी नहीं है, गंगा ही जल है, क्योंकि पानी मानी पानी होता है, गंगा जल पानी होता ही नहीं है। गंगा जल पानी नहीं होता है, गंगा जल जल ही होता है। पानी कुएं का पानी और भी तमाम पानी बहुत से, लेकिन गंगा, सरजू, नर्मदा, मंदाकिनी, इनमें जल होता है, पानी नहीं होता है। तो वेग यान जल अरे पाए पखारू, हो तो विलंब उतारू पारू। जल्दी ले आओ बेटा, जल्दी ले आओ और धो लो। केवट राम रजाय सुपावा, रजाय सुमानी आज्ञा, रजाय सुमानी क्या हुआ? आज्ञा। स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भ्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माताओं, बहन, बेटियों, भाई, बंधुओं, सभी से मैं कह रहा हूं कि भ्रम की आवश्यकता नहीं है। रजाय सुमानी आज्ञा, भगवान की आज्ञा पाई। केवट राम
कठौते में पानी भर के लाया, गंगा जल भर के नहीं लाया, पानी भर के लाया, गंगा जल भर के नहीं लाया। अब कल्पना करिए आप, गंगा के किनारे आप हैं और भगवान आ जाएं, गुरु आ जाएं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो बोलो गंगा के तट पर आप हैं और भगवान आ जाएं, गुरु आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? पानी लाने के लिए आप किसी कुएं पर जाएंगे कि किसी कुएं पर पानी भरने जाएंगे आप कि आप गंगा जल लेंगे? गंगा जल लेंगे, गंगा जी है ये गंगा जल, लेकिन ये पानी लाया, गंगा जी में पानी होता ही नहीं है, गंगा जी में पानी कहाँ होता है, पानी तो कुएं में होता है। इसका मतलब है, संकेत मिल रहा है कि ये पानी लाने के लिए श्रृंगवेरपुर गया। कहाँ गया? श्रृंगवेरपुर गया, और श्रृंगवेरपुर से पानी लाया। अब श्रृंगवेरपुर गंगा जी में दूरी नहीं है ज्यादा, बिल्कुल तट पर है श्रृंगवेरपुर। गंगा जी नीचे प्रवाहित हो रही है, ऊपर जो है थोड़ा सा ऊंचाई है, श्रृंगवेरपुर वहां बना हुआ है। हमारे यहाँ की तो बात ही है, चित्रकूट प्रयाग के पास में ही है श्रृंगवेरपुर, समझ रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल तट पर है श्रृंगवेरपुर, गंगा जी के तट पर। लेकिन कल्पना करो आप, अगर कुएं में जल है, पानी है, तो कुएं का पानी कुआ गांव में ही होता है कि नहीं होता है? कुआ कहाँ होता है? गांव में होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो, गंगा जी में कोई कुआ खोदता? और जो गंगा जी में कुआ खोदे उससे बड़ा मूर्ख है दुनिया में कोई? गंगा जी में कुआ खोदना कितनी बड़ी बेवकूफी। गंगा मानी वो कि जिसमें अविरल जल प्रवाहित होता है, कभी जल में अवरुद्धता नहीं आती, निरंतर प्रवाहित होता रहता है, वहां कुआ खोदने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि वो गांव में गया श्रृंगवेरपुर में, तब पानी लाया। बोलो लाया पानी कि नहीं लाया? एक और बात बताया आपको, कठौता भी घर में ही रखा था, कठौता वहां थोड़ी था कि नाव में कठौता। अच्छा तुम लोग प्रयागराज जाते हो संगम स्नान करने, किसी भी केवट की नाव में कठौता अलग से मिलता क्या? पतवार जरूर रहती है नाव में, कठौता कहाँ रहता है? कठौता तो रहता नहीं है, कठौता तो एक पात्र है। बोलो पात्र कहाँ रहता है, जल्दी बोलो? घर में रहता है। इसका मतलब है कि वो घर गया, उसने पात्र लिया और कुएं से पानी भर के लाया। क्लियर हो गया बिल्कुल। कठौता जब लेके आ रहा था तो लक्ष्मण जी बोले, आपने इतनी ढील दे दी इसको कि ये आया भी, इसने चरण भी नहीं धोए और भगा चला गया। वो आपने कह भी दिया कि आओ हमारे चरण पखार लो, लेकिन पखारे वखारे तो नहीं, सीधा भागा चला गया। लेकिन ये गया कहाँ? और आप इसी के सहारे क्यों खड़े हो? और कोई विकल्प नहीं है? विकल्प आपके पास बहुत है। पहली बात तो यही कि मैं ही विकल्प हूं। भगवान राम बोले, तुम क्या विकल्प हो लक्ष्मण? तुम नाव चला लोगे क्या? लक्ष्मण जी बोले, नाव नहीं चला सकते, लेकिन पूरे खानदान को तो एक ही धमकी में बुला सकते। जो नाव चलाने वाला खानदान है इसका, वो पूरा आ सकता है खानदान, अगर आप आज्ञा दो तो। क्योंकि आपके लिए नगर में प्रवेश करना प्रतिबंधित है, लक्ष्मण के लिए नहीं। अच्छा बोलो भैया, लक्ष्मण के लिए प्रतिबंधित है? अगर लक्ष्मण के लिए प्रतिबंधित होता तो पंपापुर में प्रवेश किया था लक्ष्मण ने कि नहीं? जब सुग्रीव का राजतिलक हुआ तो बोलो पंपापुर में प्रवेश किया कि नहीं किया? लक्ष्मण के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, मेरे लिए प्रतिबंध नहीं है, कहो तो मैं पूरा खानदान ही इकट्ठा कर दूं। भगवान बोले, नहीं नहीं, तुम चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम कहां खड़े हो? घाट पर खड़े हो। हाँ घाट पर तो खड़े हैं, आए कहां से हो? कहे घर से। तो घर छूटा कि नहीं छूटा? हाँ घर तो छूट गया, तो क्या घाट भी छोड़ाना चाहते? घर तो छूटा ही गया, घाट भी छूटेगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसलिए जंगल में रहना है, घाटई की जरूरत है। क्यों भाई? कितनी नदियां मिलेंगी, घाटई मिलेगा, इसलिए घाट से नाता नहीं, तो घर से नाता तोड़ा जा सकता है लक्ष्मण, लेकिन घाट से नाता नहीं तोड़ा जा सकता है। और केवट घाट वाला व्यक्ति है, गुहराज निषाद घाट का नहीं, वो तो राजा है,
क्यों भाई है राजा कि नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताओ घाट का, असली घाट का मालिक कौन होता है? नाविक होता है कि नहीं होता है? नाविक होता है कि नहीं होता है? वो घाट पर रहता है, अपना अधिकार मानता है, और घाट ही उसका मुख होता है, घाट ही उसका जीवन यापन करता है, घाट का ही वो मालिक होता है। प्रयागराज में देखिए आप, बनारस में देखिए, काशी में हमारे चित्रकूट राम घाट पर देखिए, जो नाव वाले हैं उनकी जब वो हमारे पास आते हैं तो ऐसे सिर झुका के आते हैं, और जब हम नाव में बैठने जाते हो कहते हैं आइए महाराज आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, हम कहते देखो घाट का असर आ गया कि नहीं आ गया, घाट वाला असर आ गया है। लक्ष्मण तुम चुप रहो, पहले आने दो। कठौते में पानी भर के जैसे ही लाया भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा ये क्या है, ये है क्या? बोला पानी। भगवान बोले जब गंगा जल पास में है तो पानी क्यों लाए? केवट बोला इसलिए कि हमें चरण धोने थे। अरे तो चरण धोने थे तो गंगा जल से धो लेते और पी लेते, अलग से पानी लाने की क्या जरूरत थी? गंगा जल नहीं होता तो पानी लाते, लेकिन गंगा जल था और है, प्रवाहित हो रही है गंगा जी, कितना निर्मल जल है बोलो, कितना बढ़िया प्रवाह है गंगा जी का, तो गंगा जल से धो लेते चरण, क्या जरूरत थी कि पानी लाने गए? केवट बोला प्रभु अपराध करूं? भगवान बोले अपराध तो पांव क्यों धो रहे हो, मेरे चरण क्यों धो रहे हो? कहे चरण धोना अपराध नहीं है। फिर क्या है अपराध? का गंगा जल से चरण धोना। अरे भगवान बोले गंगा जल से चरण धोना, मेरे चरण धोना अपराध इसलिए नहीं, गंगा जी मेरे चरण से ही तो निकली हैं, जब मेरे चरण से निकली हैं तो क्या अपराध बोलो भाई? कहे प्रभु आप समझने की कोशिश तो करो, अपराध ये नहीं होता कि मैं गंगा जल से चरण धोता, फिर अपराध ये होता कि एक बार जो भी जल हो या पानी हो प्रयोग में आ जाए तो उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता, यह अपराध है। जैसे आपने चरण धोए, मान लीजिए आपने एक संत के चरण धोए, ठीक है ना, तो एक बार धो दिए, अब उसी धोए हुए जल से या पानी से फिर धो और फिर धोते रहो और 10-5 साल उसी से धोते रहो, ये नहीं, जल बदलना पड़ेगा, पानी बदलना पड़ेगा। तो केवट बोला ब्रह्मा जी ने आपके चरण धोए थे, हाँ धोए थे, और पात्र मेरे पास कठौता है लेकिन उनके पास पात्र था कमंडल, हाँ 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 कमंडल था, मैं सही कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसी गंगा के तट पर सुना है, संतों से सुना है, विद्वानों से सुना, गंगा के किनारे कथाएं होती रहती है ना, समझ रहे हो ना, गंगा के किनारे कई यहीं तो रोज ही सुनते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने आपके चरण धोए, हाँ धोए, कमंडल में धोए थे, हाँ धोए थे, तो इसका मतलब है कि जब ब्रह्मा चरण धो रहे थे और जो चरण का चरणोदक कमंडल में आ रहा था वही गंगा के रूप में प्रकट हो गया कि नहीं, इसी कमंडल में गंगा प्रकट हुई थी कि नहीं ब्रह्मा के? हाँ हाँ ब्रह्मा के कमंडल में गंगा प्रकट हुई थी, लेकिन प्रकट हुई थी आपके चरणोदक से जब ब्रह्मा ने चरण धोए, इसका मतलब पहले कमंडल में गंगा नहीं थी लेकिन जब आपके चरण धोए तो आपके चरण के चरणोदक से ही गंगा का प्रादुर्भाव हो गया, गंगा प्रकट हो गई। तो इसका मतलब यह है कि ये गंगा आपके चरण का चरणोदक है। गलत तो नहीं कही उसने बात, क्यों भाई सही कही कि नहीं? आपके चरण का चरणोदक है तो और सबके चरण धोने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपके चरण से निकलने वाली गंगा जो आपका चरणोदक है उस चरणोदक से दोबारा फिर चरण धोए जाएंगे, हमारा धर्म नहीं कहता है। लक्ष्मण जी बोले भैया विद्वान बहुत है ये, इतना ऊंचा विचार तो किसी के मन मस्तिष्क में नहीं आया, गजब की बात कह रहा, ये रहस्य तो मैं भी नहीं समझ रहा था जो प्रकट हो गया आज कि गंगा आपके चरण से निकली। भगवान ने कहा हां ये बात ठीक ही कह रहे हैं केवट जी,
हाँ लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया तब तो ये सामान्य नहीं है, ये रहस्य बताया, अभी तक नहीं सुना था।